हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब ट्रांसपोर्टर को अपना टैक्स जमा करवाने के लिए अलग अलग विभागों के झंझट से मुक्त कर दिया गया है, जिसमें खासतौर पर PGT यानी पैसेंजर एंड गुड टैक्स अब एक्साइज विभाग में नहीं कटवाना पड़ेगा, बल्कि सभी टैक्स ट्रांसपोर्ट विभाग में ही जमा होंगे, जो अब SRT के नाम से भी काटा जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन टैक्सों में कोई भी बढ़ावा नहीं किया गया है, टैक्स उतना ही रहेगा। सोलन के PWD रेस्ट हाउस में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी घनश्याम चंद ने मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2021 तक की व्यवस्था में PGT एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता था, जिस कारण ट्रांसपोर्टर को दो विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। राहत देने के नज़रिए से अब सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के लिए सभी टैक्स ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ही जमा करवाने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि PGT यानी पैसेंजर एंड गुड टैक्स अब SRT के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा पिछली देनदारी वाले ट्रांसपोर्टरों को एक्साइज डिपार्टमेंट से NOC लानी पड़ेगी। ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे विभाग के चक्कर लगाने से भी बचा जा सकेगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी घनश्याम चंद ने बताया, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स थे अलग अलग कैटेगरीज के, इसमें एक 31/12/2021 तक की जो व्यवस्था थी, इसमें PGT एक टैक्स होता था, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स, वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा करना होता था। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स को दो दो डिपार्टमेंट में अपना डील करना होता है, इस वजह से सरकार ने इसको एक ही जगह अब पूरे टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं गाड़ियों पर, वो सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास ही रहेंगे, और एक एक 21 से PGT के अब उसको SRT बोलेंगे, SRT इन लिए ऑफ PGT, मतलब जो पहले PGT देते थे पैसेंजर एंड गुड टैक्स, वो अब एज SRT ही डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक बाई से देने की व्यवस्था कर दी गई है। जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी वही टैक्सेस उनको देने पड़ेंगे, पर इनको दो दो डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह अपने टैक्स जमा करा सकते हैं। हाँ, पिछली जो देनदारियाँ हैं उसके लिए इनको एक NOC एक्साइज डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, और ये सारी व्यवस्था अब ऑनलाइन कर दी गई है 1/1/22 से। फिर जैसे ही पिछला जो NOC आ जाएगा, आगे के लिए इनका फिर रेगुलर टैक्स जो जमा होना है उनके अकाउंट्स में, वो ऑनलाइन जमा होगा। ये अपनी सुविधा के अनुसार, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैरियर पर नहीं जाना, RTO ऑफिस नहीं जाना, अपने घर के से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ई परिवहन व्यवस्था पर ये जमा करा।